आसमाना ते उड़ते पंछी वेखते सही की करदे ने, ना वो करदे रिज़्क ज़हीरा, ना वो भुखे मरदे ने। कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही करदे रिज़्क ज़हीरा ते बंदे ही भुखे मरदे ने। पट्टी साहब आज तुहाडे उत्ते ओह की कहने ने, तुहाडी शायरी जिहड़े ना ओह बार बार आ रही सी साडे तुहाडे नशिश के दौरान जिहदे विच चौधरी साहब भी मौजूद ने, ते मैं चाहता हूँ कुछ और भी आप जो है ना इस खास मुनासबत से। नहीं जनाब, वैसे अपने लंगर खाने के हवाले एक शेर जरूर अर्थ करना चाहना। मैं लिखे एक उर्दू का शेर है, ऐ मौला मेरे देश की ये कैसी सरकार है, ऐ मौला मेरे देश की ये कैसी सरकार है, लंगर काम नेकी का फिर भी आजादत दरकार है। ऐ मौला मेरे देश की ये कैसी सरकार है, लंगर काम नेकी का फिर भी आजादत दरकार है। मैं तो हैरान होता हूँ यहाँ पे जनाब शबाब कबाब की जो महफिल सजाई जाती है कोई परमिशन नहीं है, शराब खाने खुल जाते हैं, लेकिन बंदा एक रेड़ी लगाने वाला जन, वो मैंने इस पे लिखा है, ऐ हुक्मरानों बेरोज़गारों को रोज़गार दो, ऐ हुक्मरानों बेरोज़गारों को रोज़गार दो, इन्हें रोज़ रोज़ मारते हो, इन्हें एक रोज़ मार दो। रेड़ी भी आ गई है आमदन नजायज़ में, रेड़ी भी आ गई है आमदन नजायज़ में, अब तो भीख मांगने को जायज़ करार दो। मैं आपको वैसे किसी वक्त फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, तो अपने अंदर की जो बड़ास है वो मैं आपको सुनाऊंगा जी। काफ़ी नहीं, आपको अपने लंगर खाने के हवाले से क्या मुश्किलात हैं, अब क्या चाह रहे हैं, क्या हुकूमत क्या करे, क्या मतलब क्या आप? सर मैंने सीडीओ को कई बार एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं यहाँ पे लंगर लगाना चाह रहा हूँ और लगा रहा हूँ, लेकिन यह है कि मुझे परमिशन दे दें ताकि मैं ईजीली ये काम कर सकूँ। तकरीबन कुछ चार मरतबा तो सीडी ने ये लंगर खाना तोड़ा है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह नागा नहीं किया। यहाँ पे कराची कंपनी चौक में जो है बिला नागा हम शाम का खाना बाद नमाज मगरब दे रहे हैं, और सीडीओ को भी दिया, वफाकी मौसब आला में भी, सुप्रीम कोर्ट तक मैंने एप्लीकेशन भेजी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो ये कहते हैं, बल्कि वो तो लंगर खाने बनवा रहे हैं, फिर उनकी हुकूमत में आप कुछ और बता रहे हैं, खान साहब कुछ और बता रहे हैं, ये खुला तजाद नहीं जैसे सुहेल बड़ाई साहब? इस मरतबा जो है खान साहब को भी मैंने एप्लीकेशन भेजी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एहसास प्रोग्राम की सानिया निश्तर साहबा उनको भी एप्लीकेशन दी और चेयरमैन सीडीए को भी, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि चेयरमैन सीडीए साहब ने जो है प्लानिंग में भेजी है एप्लीकेशन हमारी, अब मुझे नहीं बाकी डिटेल पता। जहाँ तक ये लंगर खाने की बात है, माशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने शुरू किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बेसिक नीड है पब्लिक की। अगर फ्लाई मुमलकत बनानी है तो आम आवाम को हर उनको इजीली खाना मिलना चाहिए, तालीम लबास और खुराक जो है ये आराम से हर आदमी को मिलना चाहिए, ये एक अच्छा कदम है। और जहाँ तक सराय आम की बात है जी, कि गवर्नमेंट ने माशाल्लाह पनाहगाहें बनाई हैं, तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने मरी एक्सप्रेस वे पर ना लकोट के इलाके में तकरीबन कह लें कि दो कनाल मैंने जगह खरीदी है, और एक कनाल जो है मैं अल्लाह की राह में मुख्तस कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पे मैंने खरीदी है, उसमें डोनेशन एक रुपया भी किसी का नहीं है। और खुलासा भाई जानदारी की आपको बात बताऊँ तो उधर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पर जो है एक सरायाम बनाऊँ कि कोई भी पाकिस्तान भर से मरी में सैर के लिए आए, उसे मैं अगर सिंध का है तो उसको 5 दिन मुफ्त रहाइश दूँ, सिंध का बलूचिस्तान का, और अगर पेशावर कह लें सुबह सात का पख्तूनख्वा का या पंजाब का तो उनको 3 दिन की दूँ रहाइश, क्योंकि ज़रा नज़दीक है तो उनको थोड़ा काम भी दे। अब वहाँ पे मैं सराया आम नहीं बना रहा, अब वहाँ पे सिर्फ ओल्ड खुशी घर हैप्पी होम के नाम से वहाँ पर इंशाल्लाह जल्द ही शुरुआत करूँगा। अभी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जगह तो मैंने ली है, तो इस गवर्नमेंट को जहाँ तक लंगर खाने की बात है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 11 साल से यहाँ पे बैठा हूँ कराची कंपनी में, वैसे 2003 में भी मैं रेगुलरली पिम्स और कराची कंपनी में सबसे पहले लंगर लगाने वाला बैठा हूँ, और इसके बावजूद जनाब सीडीओ को 101 बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई मुझे एक दो बार एप्लीकेशन का जवाब आया कि चले जी प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, इंतज़ार में हूँ। अब अल्लाह करे कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक हमारी ये बात पहुँचे, उनको उनके हाथों में हमारी एप्लीकेशन जाए, जहाँ पे इतने उन्होंने लंगर खाने खोले तो एक कराची कंपनी में हमें इसके
की परमिशन दें ताकि हम इजीली लोगों को खाना सर्व कर सकें। आपके पास नॉर्मली कौन से लोग आते हैं लंगर खाने पे, कौन से मतलब? ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हैं और दिहाड़ीदार लोग। अच्छा, ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड आपको पता है 16-18 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, अगर वो यहाँ पे अगर रेगुलरली खाएँ तो कम अज़ कम 3-4 हज़ार रुपया महीना वो बचा कर अपने बच्चों को। नहीं, 3-4 नहीं करते, खाने पीने पे ज्यादा लगता है इतना काम, 3-4 हज़ार में अगर महीना, तो वो फिर रोजे रखवाने वाली बात है उनसे कि वो करें, अदरवाइज तो फूड पे 5-7-8 हज़ार तो जी जी आज। लेकिन हम एक टाइम का दे रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो ये 3-4 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपया उनका महीने का बचता है तो वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे। नहीं तो हुकूमत ने कभी कोई जी लंगर खाने आप जहर इतने अरसे से चला रहे हैं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं मुरतब हुई जिससे वो मतलब कोई आपको फंडिंग मिलती हो या आपकी कोई सरपरस्ती की जाती हो या आपको रजिस्टर्ड किया जाता हो? नहीं ये जी कतन कोई भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुपया पैसा नहीं है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1997 से हम रजिस्टर्ड हुए और ह्यूमन ट्रस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं है, आप पब्लिक की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है। मैं खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ, एडवर्टाइजिंग का काम करता हूँ, जो पैसा मैं कमाता हूँ वो अल्लाह की राह पे। चंद मेरे प्यारे दोस्त हैं जिसमें तारकशी भट्टी साहब हैं, मलक मोहम्मद नईम साहब हैं, मलक रमजान साहब हैं, तो इन दोस्तों की वसात से भी कुछ डोनेशन हेल्प होती रहती है, हाँ पब्लिक भी आके हमें सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपके लिए दुआ गुआ हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए और लोगों की आप खिदमत इसी तरह इसी जज्बे और इसी जुरत के साथ करते रहें। बहुत शुक्रिया।